अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हम लोग मुख्तलिफ फैक्टर्स स्टडी कर रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इनिशियली हम लोगों ने जो मोस्ट रिसेंटली बल्कि हमने देखा है उसमें एक तो सरफेस एरिया या जो एक्सपोज्ड एरिया होता है मॉलिक्यूल्स का वो हमने स्टडी किया था। इसके अलावा हमने लाइट का अफेक्ट देखा था। उससे पहले हम लोग नेचर एंड कंसंट्रेशन की बात उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी कि नेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स किस हद तक रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टेम्परेचर का अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यू हैव स्टडीड कि रेट इक्वेशन कैन बी रिटन एज आर इक्वल्स टू के टाइम्स द रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ए एंड रिएक्टेंट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बी। अब ये जो ऑर्डर है और जो रिएक्टेंट्स हैं इसका ताल्लुक तो नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से होता है, ठीक है। और जो आपका ऑर्डर है ये आपको अगेन यही बता रहा है कि किस रिएक्टेंट के ऊपर किस हद तक डिपेंड कर रहा है रेट। इस पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो फैक्टर के है हम लोगों ने इसको अभी तक कॉन्स्टेंट अज्यूम किया हुआ था, बट दिस फैक्टर के इज़ नॉट एक्चुअली कॉन्स्टेंट, रादर के इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो जो टेम्परेचर बल्कि लेट्स राइट कैपिटल टी, स्मॉल टी लुक्स मोर लाइक टाइम। के इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर जो जो चेंज होता है के की वैल्यू भी चेंज होती है। अब टेम्परेचर से फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेसिकली हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हीट एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है। साथ इसके 3/2 k या एक कॉन्स्टेंट भी आ जाता है अगर आप इक्वेशन बना दो। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप, एज टेम्परेचर गेट्स डबल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल्ड। कीप इन माइंड कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज टेकन इन केल्विन एंड नॉट सेल्सियस। ओके, सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, बट एट एनी सर्टेन टाइम इफ देर आर लेट्स से 1 million मॉलिक्यूल्स, तो क्या उन तमाम के तमाम की काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड होगी? फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की आप फॉर एग्जांपल 300 केल्विन की बात करो यानी 23 डिग्री सेल्सियस की, इस टेम्परेचर के 27 डिग्री सेल्सियस की इस टेम्परेचर के ऊपर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो तो वो तो एक फिक्स्ड आंसर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 100 जूल्स। अब क्या इसका मतलब ये है कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी 100 जूल्स होगी? नो, एक्चुअली ऑल द मॉलिक्यूल्स विल हैव एनर्जी रिलेटेड टू दिस, मतलब इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा, एग्जैक्टली 100 नहीं होगी। होगा ये, इसके लिए हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह के अंदर पढ़ोगे जो आप मैथ्स या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है ये इसका नॉर्मल होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ इस किस्म की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ये जो वाई एक्सिस है ये आपको बता रहा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और जो एक्स एक्सिस है दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये एक मखसूस काइनेटिक एनर्जी है ये वाली, इसको मैं डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी से जो जो आप ऊपर जा रहे हो ज्यादा एक्स एक्सिस में आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। यानी हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। सिमिलरली जो जो आप काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो तो भी आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, राइट। ये जो कर्व है इसको बोला जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये किसी एक मखसूस टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। ये जो कर्व अभी फिलहाल बना हुआ है फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर टेम्परेचर 300 केल्विन। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं लेट्स से कि मैं टेम्परेचर की वैल्यू कर दूं 350 केल्विन, तो अब करस्पॉन्डिंगली जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। ये जो आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू लास्ट टाइम शो हो रही थी ना बिल्कुल यहां पे
यानी जब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस काइनेटिक एनर्जी के साथ है, इस मखसूस काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये जो थी ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी। अब चूंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो होता कुछ यूं है कि फॉर एग्जाम्पल इस दफा एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगी, जहां पे मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और एक और मजे की बात यह होती है, चूंकि अब बहुत ही आगे चली गई है काइनेटिक एनर्जी, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां पे रिड्यूस हो जाते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस किस्म से बनता है, ये ग्राफ आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। कीप इन माइंड के द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व इज नॉट सपोज टू बी ग्रेटर देन वन, सो इसलिए इस एरिया को कॉन्स्टेंट रखने के लिए जब हम इसकी पीक को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हमें थोड़ा सा इसको नैरो डाउन कर नीचे की तरफ लेके आना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई थी, तो अगर आपकी अब पीक जो है यहाँ पे आ गई है, तो अब आप अगेन इतनी ही ऊंची डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते, क्योंकि फिर एरिया जो है ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा हो जाएगा प्रीवियस टाइम से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल होता है, ठीक है। जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है वी कीप इट वन। सो नाउ यू नो कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होती है, या जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जब इसको कहते हैं, ये राइट साइड पे शिफ्ट होती है। दिस वॉज फॉर सॉरी ये जो ग्रीन वन है दिस इज फॉर 350 केल्विन, और जो प्रीवियस वन थी दिस वॉज फॉर 300 केल्विन, राइट। अब इस कर्व से एक और बहुत काम की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जो हम एक दफा फिर से इसको रीड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट अ रिस्पेक्टिव सर्टेन टेम्परेचर, एंड लेट्स कॉल दिस टेम्परेचर T1। और इस टेम्परेचर के ऊपर जो उस फॉर्मूले से, यानी टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ सॉरी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जो फॉर्मूला होता है, जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स वगैरह में डिराइव किया होगा, आप उससे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी की। वो जो वैल्यू होगी ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वन इसको मैं बोल देता हूँ एवरेज वैल्यू, ओके। और इससे कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इससे कम होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतनी एनर्जी के साथ होंगे। ये वाई एक्सिस जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो मैंने आपको कहा था कि आपकी पीक जो है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है, ठीक है। सो दिस टाइम योर ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, थोड़ा सा इसको आगे से मैं यूं कर देते हैं, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट ग्राफ, और दिस इज दैट टेम्परेचर T2, एंड ये जो करिस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी बन रही है दिस इज काइनेटिक एनर्जी 2 एवरेज, ठीक है। दिस इज एट टेम्परेचर 2। अब काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली इसका काम क्या होता है, दिस काइनेटिक एनर्जी हैज टू कन्वर्ट इनटू एक्टिवेशन एनर्जी। देखो अफेक्टिव कोलिजन की हमने इसे काफ़ी दफ़ा इससे पहले मैं टर्म यूज़ कर चुका हूँ और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अफेक्टिव कोलिजन के लिए दो किस्म की चीज़ों की ज़रूरत थी, एक तो ये है कि यू मस्ट हैव पोजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी से आती है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरा ये है कि आपके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो जो जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि बढ़ गई तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा? नो, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फिक्स रहती है, एक्टिवेशन एनर्जी तो फिक्स होती है ना एक रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, ये कर लेते हैं वैल्यू दिस वन, ठीक है। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी उसे आगे वाले हिस्से को मैं अब थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं सो दैट यू मे अंडरस्टैंड बेटर। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है ये मखसूस एनर्जी, यानी अगर इतनी एनर्जी होगी तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। अब टेम्परेचर अगर मैं T1 की बात करूं तो कितने ऐसे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, सिर्फ इतने से, ठीक है। आप ये एरिया निकाल के चेक कर सकते हो ये तकरीबन कितने होंगे, ये बहुत मामूली से होंगे। अलबत्ता जो टेम्परेचर 2 वाली डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर आप देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारा हिस्सा जो है
ये टोटल एरिया, ये तमाम वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एरिया है, ये तमाम वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वो आ रहे हैं जिनकी कुछ ज़्यादा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, और ये बेसिकली एक्टिवेशन से भी ज़्यादा हो गई है। सो दीज मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल एक्टिवेट, विल पार्टिसिपेट इन द अफेक्टिव कोलिजन्स। एज अ रिजल्ट अफेक्टिव कोलिजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन वुड डेफिनेटली इंक्रीज एज अ रिजल्ट। अर्हेनियस वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये जो अफेक्ट था इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश की। ही केम अप विद अ इक्वेशन फॉर के, ही सेड दैट के मस्ट बी इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट ए इनटू एक्सपोनेंशियल ई, ई ये जो हम लोग मैथ्स के अंदर ई यूज करते हैं, विच इज 2.71828, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दिस इक्वेशन फॉर अ शॉर्ट व्हाइल कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें जो के है दिस इज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जो है इसके लिए हमने पहले भी हमने बात की थी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या हम इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके सुन सकते हो अगर आपने ऑलरेडी नहीं सुना। जो ए है यहाँ पे, दिस ए इज कॉल्ड अर्हेनियस कांस्टेंट, एंड अर्हेनियस कांस्टेंट जो है इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया कितना है, एक्सपोज सरफेस एरिया, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। दिस ई आई टोल्ड यू ऑलरेडी, दिस ई इज द वैल्यू एक्सपोनेंशियल, इट्स अ कांस्टेंट व्हिच इज 2.71828 एंड इट कीप्स ऑन मूविंग, बाकी आगे के नंबर्स में लिख नहीं रहा। दिस ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है इसकी वैल्यू। एक्टिवेशन एनर्जी इट्स अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अफेक्टिव कोलिजन। और फाइनली इसमें आर और टी जो आपको नजर आ रहे हैं, आर जो है दिस इज द रेट स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट जो आप लोग पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के अंदर जो आर होता है इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है पी आर की इन स्टैंडर्ड सिस्टम इट इज इक्वल टू 8.3143 जाउल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है, दिस इज द यूनिट फॉर आर इन स्टैंडर्ड सिस्टम। इस आर की यूनिट्स हैं आपको मुख्तलिफ मिलेंगी मुख्तलिफ बुक्स के अंदर, डिपेंडिंग आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हो। फाइनली दिस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर जिसके ऊपर फिर के डिपेंड कर रहा है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करने या इसको एनालाइज करने की कोशिश करनी है, वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस रिलेशनशिप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स ट्राई टू सी कि इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी सेट के इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्सपोनेंशियल टाइम्स माइनस ई ए बाय आर टी, ये पूरी पावर है इसकी। नाउ इफ वी टेक नेचुरल लॉग या एनी अदर लॉग ऑन बोथ साइड्स, फॉर एग्जाम्पल इट्स बेटर टू टेक नेचुरल लॉग बिकॉज वी हैव टू कैंसिल ई एट द एंड। नेचुरल लॉग ऑफ के अगर मैं ले लूँ तो राइट साइड पर भी नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई बाय आर टी। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड वुड स्टे द सेम। राइट हैंड साइड पर आप नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी के। सो आई कैन एक्सपेंड द राइट हैंड साइड और ये बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगेन यहाँ पे जो है एक प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है वो ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ ई टू द पावर एनी नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू दैट नंबर। नेचुरल लॉग ऑफ ई कैन सिंपली बी रिटन एज वन, सो वन this complete thing is 1 times this thing, so I can simplify it as natural log of k equals to natural log of a minus e to the power a by r t. For those of you who find it difficult to remember ke ye maine kaise kar diya,
सी ये जो आपके पास रिलेशनशिप लिखा हुआ है ना, नेचुरल लॉग ऑफ ई टू द पावर ए, इसको क्या लिखा जा सकता है? ए अगर मैं शुरू में ले आऊँ, ये भी अगेन एक प्रॉपर्टी है, नेचुरल लॉग ऑफ ए टू द पावर बी को लिखा जा सकता है बी टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। सो ये ए आ जाएगा शुरू में, तो ये बन जाएगा ए नेचुरल लॉग ऑफ ई। एंड वट डू यू नो कैलकुलेटर पे इफ यू फाइंड द नेचुरल लॉग ऑफ ई इट इज़ वन, सो दिस विल बिकम ए टाइम्स वन विच इज़ ए। दैट्स वाई मैंने ये रिलेशनशिप आपको बताया था। सो दिस इज सिंपल। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी ईजिली प्लॉटेड बिकॉज इट इज सिंपल। इसका अगर प्लॉट बनाया जाए ऑन वाई एक्सिस इफ आई पुट दिस नेचुरल लॉग ऑफ के, द नेचुरल लॉग ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट, ऑन एन एक्स एक्सिस इफ आई पुट टेम्परेचर, रादर आई वुड पुट वन बाय टेम्परेचर, लेट मी नाउ यू कैन रीड वन बाय टेम्परेचर। और इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। Why? Because it's a linear relationship. आपने maths के अंदर relationships पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े हुए आप आगे पढ़ोगे अपने part 2 के अंदर। Y is equal to mx plus c. This is actually called the equation of a straight line, where m is the slope. Slope कहते हैं tangent of the angle जो वो बना रही है, और c is called the y intercept. यानी ये वो point होता है जहाँ पे graph y axis को touch करता है। अब अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू वन बाय टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दूं जीरो इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये बेसिकली इनटू वन बाय टेम्परेचर लिखा हुआ। लेट मी राइट इट दिस वे, एक ही बात है ना। अगर मैं ई ए बाय आर टी को यूं लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। सो ये असल में ये लिखा हुआ। अब वन बाय टेम्परेचर की वैल्यू को अगर मैं लूँ जीरो, पुट वन बाय टी इक्वल्स टू जीरो, वट विल यू गेट? नेचुरल लॉग के इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ए। इसका मतलब है इस वक्त यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर होगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो नेचुरल लॉग ऑफ ए, उसके बाद 1 बाई टी की वैल्यू जो जो बढ़ती जाएगी तो नेचुरल लॉग ऑफ ए में से कुछ ना कुछ पूरा फैक्टर जो है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल आंसर आपका कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यूं करके आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। 1 बाई टी के अंदर जब एक का फर्क पड़ेगा, यानी 1 बाई टी की वैल्यू जब एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, तो उस वक्त ये होगा कि ई ए बाय आर माइनस हो रहा होगा नेचुरल लॉग में से, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये बराबर हो जाएगा ई ए बाय आर के, ठीक है, जब आप बिल्कुल 1 बाय टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर होगे। एंड सिमिलरली आप यू जो नीचे आते जाओ तो आप निकाल सकते हो कि आप जितनी दफा, फॉर एग्जाम्पल 1 बाय टी की वैल्यू अगर 10 हो गई है, जिसका मतलब ये हो गया कि टी की वैल्यू 1 बाय 10 है, तो आप उस वक्त बता सकते हो फिर कि नेचुरल लॉग ऑफ के की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो चुकी होगी। सो नाउ यू हैव लर्नड दैट नेचुरल लॉग ऑफ के इज इनवर्सली रिलेटेड टू वन बाय टेम्परेचर। ऑलराइट, इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इनवर्सली रिलेटेड टू वन बाय टेम्परेचर। Do not look at this equation. इस equation से कुछ और मतलब आपको पता चल रहा है। Look at this graph and we can say since ये line नीचे की तरफ आ रही है तो जो जो 1 by t बढ़ रहा है natural log of k कम हो रहा है, यानी natural log of k is inversely proportional to 1 by t। लेकिन ये जो मैंने लिखा है इसका तो मतलब ये बन रहा है कि it's directly proportional to 1 by t। तो इसका मतलब है 1 divided by 1 by t से in, मतलब 1 by t से inversely related का मतलब है 1 divided by 1 by t से यूं करके इसको प्रोपोर्शनल लिखेंगे। यू कैन सिंप्लीफाई दिस रिलेशनशिप जो भी ऊपर मैंने मैथमेटिकली लिखा है, एंड यू कैन राइट इट एज नेचुरल लॉग ऑफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स विच यू कैन अंडरस्टैंड। अनदर वन जो प्रीवियसली हमने अभी इक्वेशन डिराइव की है वो ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ द अरहेनियस कॉन्स्टेंट माइनस ई ए बाय आर टी। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड अरहेनियस कॉन्स्टेंट, अगर उस रिएक्शन का पता है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट। वट इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस नेचुरल लॉग इन टू कॉमन लॉग? कॉमन लॉग लॉग होता है जिसकी बेस जो होती है वो 10 होती है। अगर आपने इसको बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करना है, वट यू नीड टू डू, द सिंपल रूल इज मल्टीप्लाइड
with 2.303. So the equation will become 2.303 times common log. I will write it log 10 so that you understand it better. Log 10 of k is equal to 2.303 times log 10 of a minus e a by rt. क्यों इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लॉग तो नहीं है ना, ये तो सिंपली नंबर्स हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन वी कन्वर्ट नेचुरल लॉग ई इनटू कॉमन लॉग ऑफ ई द डिफरेंस इज 2.303 का. सो हमें ये वाला फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने नेचुरल लॉग ऑफ ई को 1 लेके सिंप्लीफाई किया था, बट एक्चुअली नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 नहीं होगा बल्कि 2.303 होगा. उसके हिसाब से फिर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सॉरी 2.303 नेचुरल लॉग नहीं होगा, जब कन्वर्जन करते हैं तो ये कन्वर्जन फैक्टर आ जाता है. ओके, सो नाउ आई कैन डिवाइड 2.303 विद दिस कंप्लीट इक्वेशन. आई विल गेट लॉग 10 ए माइनस ई टू द पावर ए बाय आर इनटू टी इनटू 2.303. अगेन इससे पहले मैंने आपको एक लाइन की सिंपल इक्वेशन बताई थी, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स या एम एक्स प्लस सी, इट मीन्स द सेम थिंग. दिस फैक्टर विल बिकम द y इंटरसेप्ट, यानी वो पॉइंट जहां पे y एक्सिस को टच करना है ग्राफ ने, और ये जो पूरा फैक्टर है x को मैं लूंगा 1 बाय टेम्परेचर. सो टू कीप थिंग्स सिंपल, x की वैल्यू 1 बाय टेम्परेचर है क्योंकि हमने x एक्सिस पे 1 बाय टेम्परेचर को प्लॉट किया था, और जो स्लोप है वो फिर ये चीज बन जाएगी पूरी माइनस टाइम्स ई टू द पावर ए बाय आर टाइम्स 2.303. सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विच इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा विच कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग नेचुरल लॉग के टू माइनस नेचुरल लॉग के वन डिवाइडेड बाय 1 बाय टी टू माइनस 1 बाय टी वन इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ई टू द पावर ए बाय आर टाइम्स 2.303. फॉर दोज ऑफ यू जिनको ये नहीं समझ आया मैंने ये क्या लिखा है, स्लोप एक्चुअली किसके बराबर होती है? मैथ में हम कहते हैं स्लोप बराबर होती है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स के, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. सो चेंज इन वाई जो है इट इज, चूंकि वाई एक्सिस पे मैंने नेचुरल लॉग प्लॉट किया हुआ है, तो नेचुरल लॉग ऑफ के टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ के वन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे 1 बाय टेम्परेचर है. सो 1 बाय टेम्परेचर 2 माइनस 1 बाय टेम्परेचर 1. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इन मोस्ट न्यूमेरिकल्स इस किस्म के रिलेशनशिप्स यूज हो रहे होते हैं. इसी पूरे प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स करके देखूं तो क्या मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर आपको ये स्लोप पता हो तो आप इसको इसके बराबर पुट करके डायरेक्टली एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो. एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स स्लोप एम मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 2.303. और स्लोप इसमें आपने कौन सी यूज करनी है, ये आपने वो स्लोप यूज करनी है जो आपकी कॉमन लॉग के ग्राफ से निकल रही है, कॉमन लॉग या लॉग 10 वाला जो था कॉमन लॉग ग्राफ से जो स्लोप निकल रही है. और अगर आपने दूसरा फॉर्मूला यूज करना है तो वो बन जाएगा माइनस टाइम स्लोप मल्टीप्लाइड बाय आर, ये अगर आपने नेचुरल लॉग का ग्राफ यूज किया, नेचुरल लॉग ग्राफ. और स्लोप निकालने का तरीका, आप ये जो ग्राफ बनाओगे उसमें कोई भी ये वाला पॉइंट लो y2 माइनस यहाँ का y की वैल्यू डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये सिंपली आपके पास जो होता है ये स्लोप कहलाती है. सो स्लोप यू कैन फाइंड डायरेक्टली पुट इट इन दिस इक्वेशन टू फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सर्टेन रिएक्शन. दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. टुडेज लेक्चर वॉज क्वाइट एक्सटेंसिव. We started from simply the effect of temperature on the rate of reaction. और यह हमने start में conclude कर लिया था कि temperature जो जो बढ़ेगा kinetic energy की value बढ़ेगी, और जो जो average kinetic energy की value बढ़ेगी तो उससे यह होगा कि molecules में ज़्यादा effective collisions होंगे. अब इस बात को mathematically हम कैसे describe कर सकते हैं, for that हमने Maxwell Boltzmann distribution देखी जो कि एक normal distribution curve है, और इसमें y एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और x एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली टेम्परेचर से डिराइव की जा सकती है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर.
जो आपने पहले ऑलरेडी फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये कर्व थोड़ा सा नीचे की तरफ आता जाता है और आगे की तरफ जाता जाता है, और जो हम अगर इस कर्व के अंदर से एक्टिवेशन एनर्जी को साथ इसके एसोसिएट करें तो उसमें ये होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की एक मखसूस वैल्यू है कि किसी एक रिएक्शन के लिए, मसलन वो इतनी बन रही है। जब जब ये पूरा कर्व आगे शिफ्ट हो गया है तो ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, सो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अरहेनियस जो है साइंटिस्ट, अ केमिस्ट, ही एक्चुअली डिस्क्राइब्ड अ रिलेशनशिप फॉर दिस। उसने ये रिलेशनशिप दिया कि रेट कॉन्स्टेंट जो है वो किस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। As seen directly from this equation, it's difficult to tell कि ये direct relationship है या indirect है। We try to simplify this by taking logs, ठीक है, और once we take the logs तो हम लोग natural log of k और 1 by temperature का आपस में relationship जो होता है वो establish कर लेते हैं, ठीक है, और that relationship then helps us to determine कि is it a direct or inverse relationship। फिर हम लोगों ने slope की बात की, जो इस ये graph बनता है इसकी slope होती है, और हमने ये भी बात की कि नेचुरल लॉग को अगर आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दें तो उसमें आपको फिर क्या करना पड़ता है, एंड इस स्लोप के थ्रू हम लोग फाइनली एक्टिवेशन एनर्जी भी डिटरमिन कर सकते हैं। दिस वाज आवर फाइनल कंक्लूजन। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सो फार हमने 5 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट होता है। हमने स्टार्ट किया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स से, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, इसको हमने बहुत डिटेल के अंदर इनको सेपरेटली स्टडी किया, उसके बाद भी सरफेस एरिया जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और फिर लाइट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और आज हमारा टॉपिक था टेम्परेचर का जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर सिग्निफिकेंट डिफरेंस डाल सकते हैं। द अदर फैक्टर्स जो इन 5 के अलावा हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बहुत मेजर अफेक्ट पड़ता है, जो इंडस्ट्री के अंदर कॉमनली यूज भी होते हैं, उन प्रोसेसेस के अंदर एक प्रोसेस है जिसको हम कैटालिसिस बोलते हैं, जिसमें हम लोग कैटलिस्ट डाल के रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं, एंड दिस वी विल ट्राई टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।